आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक आदमी के बारे में जो अपनी माँ के सपने में आया था पैदा होने के पहले। तो ये कहानी टर्की की है। कहते वो औरत जब है ना प्रेग्नेंट थी, उसको है ना एक सपने में आदमी आया था जिसका नाम था सलीम फसली। उसकी माँ ने इतना कोई ध्यान नहीं दी क्योंकि सपना था, उसको लगा एक इमेजिनेशन है। बाद ही थोड़े टाइम बाद एक बच्चा बॉर्न हुआ जिसके कान थोड़े ना मुड़े हुए थे, और लोग ने जब रिसर्च किया तो सलीम फसली करके एक लड़का था, उसके भी ऐसे ही कान मुड़े हुए थे। कहते जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, उसने खुद ने बोला कि मैं सलीम फसली हूँ और मैं ना एक जगह लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे जूनी फैमिली रहती थी। उसने बोला कि उसका जो नेबर है उसने ही उसको मारा था, और नेबर के पास जैसे ही बात करने गया तो नेबर बोला मैंने नहीं मारा था, हम लोग एक हंटिंग करने गए थे डियर की, उसके अंदर गलती से इसको गोली लग गई थी। बोला गलती से नहीं, जान मुझ के मारा था क्योंकि वो डियर को मैंने मार दिया था, इसको वो डियर चेता था जो बहुत एक्सपेंसिव डियर है। और कहते थोड़े टाइम बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेट की तो मालूम पड़ा हाँ डियर उसके घर में था, उसकी मस्क जो उसकी खुशबू होती है डियर की वो आज तक उसके घर में।